आज की क्लास में हम आर्ट बोर्ड पर बात करने वाले हैं और सॉफ्टवेयर में हमारा जो वर्किंग एरिया होता है उसके डिफरेंट नाम होते हैं फोटोशॉप में उस वर्किंग एरिया को कैनवस कहते हैं जबकि इलस्ट्रेटर में उस वर्किंग एरिया को हम आर्ट बोर्ड कहते हैं लेकिन फोटोशॉप में हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम आर्ट बोर्ड लेकर भी काम कर सकते हैं है आयोबीना बारी आर्ट बोर्ड को कैसे यूज करते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कैनवास और आर्टबोर्ड में क्या फर्क है अगर हम फोटोशॉप में आर्टबोर्ड यूज कर रहे हैं या इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंट है और फोटोशॉप में हम आर्टबोर्ड क्यों यूज करते हैं तो अगर मैं बात करती हूँ कैनवास और आर्ट बोर्ड के फर्क की तो जब हम कैनवास लेते हैं तो एक डॉक्यूमेंट में हम एक कैनवास ही ऐड कर सकते हैं एक से ज्यादा कैनवास हम किसी सूरत ऐड नहीं कर सकते अगर आपने कोरल ड्रा या इलेस्ट्रेटर सीखा है तो आप जानते होंगे जब हम कोरल ड्रा में न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वहाँ पे हमें मल्टीपल पेजेस के लिए ऑप्शन मिलता है और हम मल्टीपल पेजेस के साथ अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं उसी तरह से जब हम इलेस्ट्रेटर में अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो हमें मल्टीपल आर्ट बोर्ड लेने का ऑप्शन वेलकम स्क्रीन में मिल जाता है और हम वहां से मल्टीपल आर्ट बोर्ड के साथ अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं जबकि फोटोशॉप में हम ऐसा नहीं कर सकते हम जस्ट एक कैनवस के साथ ही फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं तो अगर हमें मल्टीपल वर्किंग एरिया एक ही डॉक्यूमेंट में चाहिए होते हैं तो हम आर्ट बोर्ड यूज करते हैं फोटोशॉप में और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फोटोशॉप में जब हम आर्ट बोर्ड लेके काम करते हैं या इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड लेके काम करते हैं तो काम के दौरान क्या फर्क रहता है तो सबसे पहला फर्क तो ये है कि जब हम फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड लेते हैं तो हम एक आर्ट बोर्ड ही लेकर अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें मल्टीपल आर्ट बोर्ड एड कर सकते हैं। जबकि डॉक्यूमेंट लेते वक़्त इलेस्ट्रेटर में हम पहले ही एक से ज्यादा आर्ट बोर्ड लेकर अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं उसके अलावा जब हम इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो हमें हर न्यू एक्शन के लिए या किसी इमेज को ऐड करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं होती जैसे जैसे हम अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं इलस्ट्रेटर खुद बहुत न्यू लेयर ऐड करता जाता है जबकि फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता फोटोशॉप में हम कैनवस पे काम करें या आर्टबोर्ड पे हमें हर नए एक्शन से पहले खुद न्यू लेयर लेना होती है अगर हम न्यू लेयर नहीं लेते तो हमारे दो ऑब्जेक्ट या दो इमेज या इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही लेयर पे ऐड हो जाते हैं और हमें प्रॉब्लम हो सकती है और डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम फोटोशॉप में कैनवस पे काम कर लेते हैं तो हम आर्ट बोर्ड लेकर क्यों काम करेंगे तो जब हमें एक ही डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल वर्किंग एरिया चाहिए होती है तो हम आर्ट बोर्ड लेते हैं मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाऊँ जहाँ पे मैंने चार आर्ट बोर्ड लिए हैं एक आर्ट बोर्ड पे मैंने आर्ट बोर्ड इन फोटोशॉप लिखा है और तीन आर्टबोर्ड में एक ही डिजाइन की डिफरेंट वेरिएशन एड की है अगर हम किसी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट पेजेस को डिजाइन करने या एक ही पेज के डिफरेंट पार्ट को डिजाइन करने के लिए हम आर्ट बोर्ड का यूज करते हैं हम एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल आर्ट बोर्ड लेकर अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं या हमारी कुछ वर्किंग इस तरह से है कि हमें मल्टीपल पेजेस बनाने हैं और हम एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल आर्टबोर्ड लेकर उन पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से हम अपने क्लाइंट को एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हुए अपना वर्क दिखा सकते हैं या अगर हम बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो उसकी दोनों साइड डिजाइन करना होती है तो उस तरह से हम दो आर्टबोर्ड लेकर दोनों साइड एक ही डॉक्यूमेंट में डिजाइन कर सकते हैं अगर हम आर्टबोर्ड यूज नहीं करते तो हम एक डॉक्यूमेंट में एक कैनवस ही यूज कर सकते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट पे एक पेज डिजाइन करेंगे उसके बाद नया डॉक्यूमेंट लेंगे उस पर पे दूसरा पेज के जितने पेजेस हमें चाहिए होंगे या अपने आर्टवर्क के लिए हमें जितने पार्ट्स चाहिए होंगे उतने डॉक्यूमेंट हमें लेना पड़ेंगे तो उसकी बजाय हम एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल आर्ट बोर्ड एड करते हैं और अपने काम को इजीली कर लेते हैं तो मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि हम आर्ट बोर्ड कैसे लेते हैं एक तो जब हम नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उस वक्त न्यू आर्ट बोर्ड ले सकते हैं ये डॉक्यूमेंट मैंने कैनवास के साथ ओपन तो किया है और फाइल मेन्यू में, में आकर न्यू पे क्लिक करूंगी न्यू पे क्लिक करूं तो आप देखें जब मैं यहां से मोबाइल पे क्लिक करती हूं तो मोबाइल के लिए जो प्रीसेट आते हैं हूद बहुत आर्ट बोर्ड पे चेक लग जाता है जब हम किसी मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम आर्ट बोर्ड पे ही काम करते हैं उसके अलावा जब हम वेब के लिए काम करते हैं आप देखें मैं वेब के लिए सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ आर्ट बोर्ड खुद बहुत चेक लग जाता है हाँ प्रिंट के लिए जब हम काम करते हैं तो जरूरी नहीं हम आर्ट बोर्ड ले, लेकिन अगर हमें जरूरत है तो हम आर्ट बोर्ड ले सकते हैं जैसे आप देखें मैं यहाँ प्रिंट पे आऊंगी और प्रिंट पे आऊं तो आप देखें आर्टबोर्ड से चेक हट चुका है अब यहाँ से मैं मैं कोई भी साइज ले सकती हूं, तो फिलहाल लेटर साइज करूंगी और अगर मुझे आर्टबोर्ड लेना है तो मैं खुद आर्टबोर्ड पे चेक लगा दूंगी जब आप वेब या मोबाइल में से कोई प्रीसेट लेते हैं तो आर्टबोर्ड पे खुद बहुत चेक लग जाता है लेकिन उस सूरत में अगर आपको आर्टबोर्ड नहीं चाहिए तो आप चेक हटा सकते हैं मैं यहाँ से प्रिंट में से लेटर साइज सिलेक्ट करूंगी आर्ट बोर्ड पे चेक लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखें मेरा आर्ट बोर्ड यहाँ पे आ गया आर्ट बोर्ड वन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरा आर्ट बोर्ड है और इसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट लेयर मौजूद है जब हम पहला आर्ट बोर्ड लेते हैं तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर उसके अंदर आ जाती है खुद उसके बाद हम जितने आर्ट बोर्ड लेंगे उनमें ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं होती उसको हम खुद बाद में ऐड करेंगे आर्टबोर्ड टूल की शॉर्टकट की वी है मूव टूल में मैंने आपको बताया कि मूव टूल की शॉर्टकट की वी है और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आर्टबोर्ड टूल की शॉर्टकट वी है तो एक ही शॉर्टकट की दोनों के लिए कैसे काम करती है जब हम आर्टबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं और हम किसी दूसरे टूल पे होते हैं और वी प्रेस कर दें तो हमारा आर्टबोर्ड टूल एक्टिव हो जाता है जैसे अगर मैं यहाँ से पेन टूल ले लूं तो आप देखिए मेरे माउस के कर्सर के साथ पेन आ रहा है और अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगी तो मेरा आर्टबोर्ड टूल एक्टिव हो जाता है आप देख सकते हैं अगर मैं कोई और टूल ले लेती हूँ मैं यहाँ से इरेजर टूल ले, ले लेती हूँ तो आप देखिए मेरे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से आ रहा है अगर मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगी तो आप देखिए मेरा आर्ट बोर्ड टूल एक्टिव हो गया यहाँ पे कुछ इस तरह से आइकन आ रहे हैं इनसे हम क्या वर्किंग कर सकते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं और दूसरी तरफ जब हम कैनवस पे काम कर रहे होते हैं मेरे पहले डॉक्यूमेंट में कैनवास मौजूद है जब हम कैनवस पे काम कर रहे होते हैं और कोई दूसरा टूल ले रहे होते हैं आप देखिए मैंने दोबारा पेन टूल लिया और अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगी मेरा मूव टूल एक्टिव हो जाता है आप देख सकते हैं मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लेती हूँ अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगी तो मेरा मूव टूल एक्टिव हो जाता है कि जब मैं आर्टबोर्ड पे काम कर रही होती हूँ और कोई भी दूसरा टूल लेती हूँ और उसके बाद जब वी प्रेस करूंगी तो मेरा आर्ट बोर्ड टूल एक्टिव होगा लेकिन जब मैं कैनवस पे काम कर रही होती हूँ और कोई दूसरा टूल लेती हूँ और उसके बाद वी प्रेस करती हूँ तो मेरा मूव टूल एक्टिव हो जाता है इस तरह से एक ही शॉर्टकट वी मूव टूल के लिए भी यूज होती है और आर्टबोर्ड टूल के लिए भी अगर आप कैनवास के साथ अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो बाद में भी आप उसको आर्टबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं आर्टबोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप देखें यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर आपको शो हो रही है आप यहाँ पे न्यू लेयर लें इस लेयर को सिलेक्ट करें और लेयर के पैनल मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ से आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर का ऑप्शन शो हो रहा है अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से पैनल आ जाता है यहाँ से आप अपने आर्टबोर्ड का नाम रख सकते हैं अगर आप नहीं रखेंगे तो आर्टबोर्ड वन आ जाएगा अगर आप कोई नाम रखना चाहे तो आप रख लें मैं आर्टबोर्ड वन ही रहने देती हूँ उसके बाद यहाँ काफी सारे प्रीसेट दिए हुए हैं आप फोन के लिए ले रहे हैं वेब के लिए ले रहे हैं जिस भी डिवाइस के लिए आप आर्टबोर्ड ले रहे हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो जो साइज आपका पहले यहाँ पे होगा उसी साइज में आपका आर्टबोर्ड आ जाएगा अगर मैं यहाँ से ओके कर दू तो आप देखें जब मैंने ओके किया तो मेरे पास ये आर्ट बोर्ड वन आ गया मैं कैनवास को आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट करूं या नया डॉक्यूमेंट लेते हुए मैं आर्ट बोर्ड ले लूं दोनों सूरतों में आर्ट बोर्ड को हैंडल करने की तमाम टेक्निक सेम रहती हैं एक तो आप आर्ट बोर्ड लेते वक्त उसका नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर आप आर्ट बोर्ड का नाम चेंज उस वक्त नहीं करते तो बाद में भी कर सकते हैं आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं मैं इसका नाम ई एफ एस रख दूँ यहाँ बाहर क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे ई एफ एस आ गया आप जो नाम रखेंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा अगर आप नाम नहीं रखते तो आर्ट बोर्ड वन टू थ्री शो हो रहा होगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आप एक आर्ट बोर्ड ही ले सकते हैं तो उसके बाद आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड को यूज करने के लिए आर्ट बोर्ड टूल का यूज करेंगे आप देखें यहाँ मूव टूल है मूव टूल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये नीचे मेरे पास आर्ट बोर्ड टूल है जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से इसके चारों साइड पे प्लस आइकन आ जाता है जो की एक सर्कल पे मौजूद है मैं इस पे क्लिक करके इस आर्टबोर्ड को कॉपी कर सकती हूँ या फिर जब मैं आर्टबोर्ड लेती हूँ तो यहाँ पे ये आइकन आ जाता है मैं यहाँ पे क्लिक करके बी आर्ट बोर्ड ले सकती हूँ उसके अलावा मैं आर्टबोर्ड टूल से ड्रैग करके भी आर्ट बोर्ड ले सकती हूँ तो पहले मैं जूम टूल लेकर अपने डॉक्यूमेंट के जूमिंग लेवल को कम कर देती हूँ ताकि जब मैं मल्टीपल आर्ट बोर्ड लू वो आपको नजर आए उसके बाद अगर आप नया बोर्ड एड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो एक नया बोर्ड एड हो जाएगा तो इस तरफ आप बोर्ड मौजूद है तो यहाँ पे प्लस आइकन नहीं है अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर की साइड पे आपका आर्ट बोर्ड आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप देखें आर्टबोर्ड वन आर्टबोर्ड टू आपको शो हो रहा है और जो नए आर्ट बोर्ड आए हैं इनमें कोई लेयर मौजूद नहीं है तो आपको वर्किंग करने के लिए इसमें लेयर ऐड करना जरूरी है फिलहाल हमने लेयर पैनल पे बात नहीं की लेकिन जल्द ही मैं आपको लेयर पैनल के बारे में भी डिटेल से बता दूंगी ताकि हम अपनी फर्दर वर्किंग कर सकें क्योंकि फोटोशॉप में काम करने के लिए हम या तो आर्टबोर्ड लेंगे या कैनवस लेंगे और दोनों सूरतों में हमें लेयर लेकर काम करना है तो लेयर पैनल को मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगी अगर मैं इस आर्ट बोर्ड पे आती हूँ तो आप देखें यहाँ पे आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है अगर ये एरो आपका राइट साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो उस सूरत में जब आप न्यू लेयर लेंगे तो वो न्यू लेयर इस आर्ट बोर्ड के ऊपर आएगी इसके अंदर नहीं आएगी आप देखे मैं न्यू लेयर लू तो ये आर्ट बोर्ड टू के ऊपर एड हुई है इसके अंदर एड नहीं हुई और मैं इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ लेकिन अगर आर्ट बोर्ड पे काम करने के लिए आपको आर्ट बोर्ड के अंदर लेयर लेनी है तो आप इस एरो को यहाँ पे क्लिक करके डॉन की तरफ कर दें जब ये एरो डॉन की तरफ होगा और आप यहाँ से न्यू लेयर लेंगे तो वो न्यू लेयर आर्ट बोर्ड के अंदर एड होगी उसके बाद आपको यहाँ पे ये यह आई का आइकन नजर आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आर्ट बोर्ड को हाइड कर सकते हैं दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका आर्ट बोर्ड शो हो जाता है और अगर आपने किसी आर्ट बोर्ड को डिलीट करना है तो आप उसे पकड़ कर यहाँ डिलीट ऑप्शन पे ट्रैक कर दे या उसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दे या सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट प्रेस कर दे तीनों सूरतों में वो आर्टबोर्ड डिलीट हो जाता है मैं डिलीट ऑप्शन आपको बाद में प्रैक्टिकली दिखाऊंगी और किसी भी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ लेयर पैनल से उस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मूव टूल से पहले उस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करें उसके बाद जब आप आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा जो आर्टबोर्ड मेरा सिलेक्ट होगा अगर मैं कुछ नया ड्रॉ करती हूँ या नया कुछ एड करती हूँ तो वो उसमें एड हो जाता है मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस लिंक पे क्लिक करूंगी और यहाँ से कोई इमेज अपने आर्टबोर्ड में ऐड कर लेती हूँ तो आप देखें ये इमेज शार्ट बोर्ड में एड हो गई अब अगर इसे मैं इस आर्ट बोर्ड से बाहर ले जाना चाहती हूँ तो मैं इसे पकड़ कर ड्रैक करूंगी तो यही शार्ट बोर्ड से बाहर आ जाएगी और यहाँ पे भी यही शार्ट बोर्ड से बाहर आ जाती है और अगर वापस ऐड करना चाहू तो मैं उठा कर इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये यहाँ पर ड्रैग हो जाती है उसके अलावा मैं इसको उठा कर अगर किसी दूसरे आर्ट बोर्ड पे ले जाऊं ड्रैग करके तो ये मेरे दूसरे आर्ट बोर्ड पे आ जाती है अब ये मेरे आर्ट बोर्ड वन पे आ गई है उसके बाद अगर मैं इसको खोलूं तो आप देखें ये इमेज मौजूद है तो मैं यहाँ से ड्रैग करके भी इसको मूव कर सकती हूँ उसके अलावा अगर मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँ और ड्रैग करके मैं इसे ऊपर आर्ट बोर्ड टू पर लेके जाऊं तो ये आर्टबोर्ड टू पे चली गई मैं इसे यहाँ से भी ड्रैग करके एक आर्ट बोर्ड ऐसी दूसरे आर्टबोर्ड में ले जा सकती हूँ मैं अगर अपने इस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन ले लूँ तो अगर मैं यहाँ न्यू लेयर लू और न्यू लेयर लेने के बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैग स्पेस प्रेस करूं तो आप देखें इसमें कलर आ जाता है मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर देती हूं। उसके बाद अगर आप इस सर्कल को मूव करके किसी दूसरे आर्टबोर्ड में ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही ड्रैग कर सकते हैं जैसे इमेज ड्रैग की है और अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें इसको ड्रैग करके दूसरे आर्ट बोर्ड क्लिक छोड़े और उसके बाद ऑल्ट तो कॉपी आ जाती है और इसी तरह से कॉपी आप यहाँ पर भी ले सकते हैं अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें और उसके बाद इस लेयर को उठा के ऊपर लेके जाएं, तो आप देखें यहाँ पे इसकी कॉपी आ गई मैं इसको डिलीट कर देती हूँ इस तरह से अगर आप विदाउट ऑल्ट प्रेस किए इसको ड्रैग करते हैं तो आप इसको ड्रैग करके दूसरे आर्ट बोर्ड में रख सकते हैं लेकिन अगर आप इसकी कॉपी लेके जाना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको ऑल्ट प्रेस करना होगा उसके बाद मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड टू को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल पे आ जाती हूँ अगर आप इस आर्टबोर्ड की कॉपी इसके कंटेंट के साथ लेना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे अदरवाइज जस्ट आर्टबोर्ड कॉपी होके आएगा अब इसमें यह इमेज मौजूद है मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें जस्ट आर्ट बोर्ड कॉपी होके आया है ये आर्ट बोर्ड थ्री है अब मैं इसको डिलीट करके आपको दिखा देती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट पे क्लिक करूंगी तो ये आर्ट बोर्ड डिलीट हो गया उसके बाद अगर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने से पहले की बोर्ड से ऑल्ट प्रेस कर दू और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये आर्ट बोर्ड इस कॉन्टेंट के साथ कॉपी होकर आया है मैं अपने इस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से आर्टबोर्ड टूल लूंगी अब जब आर्टबोर्ड टूल लेते हैं तो आपको माउस का कर्सर कुछ इस तरह से शो हो रहा होता है लेकिन जब आप यहाँ पे लेके आते हैं तो कर्सर चेंज हो जाता है आप यहाँ से ड्रैग करके आर्टबोर्ड के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप देखे मैंने अपने आर्टबोर्ड के साइज को छोटा कर दिया उसके अलावा जब मेरा आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट होता है और मैं यहाँ पर ड्रैग करूँ नया आर्टबोर्ड आ जाता है यहाँ पे क्लिक करके इसको प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर सकती हूँ उसके अलावा अगर आप अपने किसी आर्टबोर्ड को मूव करना चाहते हैं तो आप अपने माउस का कर्सर इसके कॉर्नर पे लेके आएंगे सेंटर में से पकड़ कर आप इसको मूव नहीं कर सकते आप देखें मैं मूव टू लेकर सेंटर पे क्लिक कर रही हूँ मूव नहीं कर रहा जब मैं कॉर्नर पे लेके आऊंगी तो कर्सर चेंज हो जाता है उसके बाद मैं इसे उठा कर जहाँ चाहू मूव कर सकती हूँ और जहाँ चाहे रख सकती हूँ मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ और अगर मैं इस पे क्लिक करूं और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख सकती हूँ उसके बाद जब हम आर्टबोर्ड टूल लेते हैं और किसी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आर्टबोर्ड टूल लूं। तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं सबसे पहले इसका साइज है तो इस वक्त कस्टम साइज यहाँ पे शो हो रहा है अगर आपने कोई प्रीसेट लिया होगा तो वो प्रीसेट शो हो रहा होगा उसके बाद इसकी बीथ और हाइट है अगर हम इसकी विथ और हाइट चेंज करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाती है उसके बाद यहाँ पे कलर है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप इसको ब्लैक कर सकते हैं आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं अगर आप अदर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई कलर लें मैं अगर यहाँ से रेड कलर लेकर ओके करूँ तो इस आर्ट बोर्ड का कलर रेड हो गया अगर मैं इस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करूँ और आर्ट बोर्ड टू लू और यहाँ से इसमें कोई कलर एड करूँ अगर अदर पे आकर और यहाँ से मैं इसका कलर ब्लू करके ओके okay करूँ तो आप देखें इसका कलर ब्लू हो गया इस तरह से आप जो कलर भी सिलेक्ट करेंगे वो कलर आ जाएगा लेकिन ये कलर जस्ट आपको शो हो रहा होता है जिस तरह से आप अपने कैनवस का कलर अगर चेंज करते हैं तो वो आपको जस्ट शो हो रहा होता है प्रिंट में नहीं आ रहा होता तो इसी तरह से जो कलर आप आर्ट बोर्ड के लिए सिलेक्ट करती हैं वो आपको जस्ट शो हो रहा होता है प्रिंट में नहीं आ रहा होता उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आऊँ तो यहाँ पे मुझे मेक पोर्ट्रेट और मेक लैंडस्केप शो हो रहा है इस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल ले लेती हूं और मैं एक पोर्ट्रेट पे क्लिक करूं तो आप देखें जो इसकी विथ है वो हाइट बन जाएगी और जो हाइट है वो इसकी विथ हो जाएगी और उसके अलावा अगर मैं नया आर्ट बोर्ड इसमें ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकती हूँ जो आर्ट बोर्ड मेरा सिलेक्ट होगा उसी के साइज का आर्ट बोर्ड मेरे पास आ जाएगा यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल सिलेक्ट होगा और मैं यहाँ से न्यू आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी वही पे उसी साइज का आर्ट बोर्ड मेरे पास आ जाएगा अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल लूंगी और न्यू आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करूँ तो नया आर्ट बोर्ड यहाँ पे भी आ जाता है उसके बाद मैं आर्ट बोर्ड टू को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ डिलीट बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देती हूँ जब मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है आर्ट बोर्ड एंड कॉन्टेंट आर्ट बोर्ड ओनली या कैंसल अब अगर मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड एंड कॉन्टेंट पे क्लिक करूंगी तो आर्ट बोर्ड भी डिलीट होगा और इसमें मौजूद कॉन्टेंट भी लेकिन अगर मैं आर्ट बोर्ड ओनली पे क्लिक करूंगी तो जस्ट आर्ट बोर्ड डिलीट होगा आप देखें अगर मैं आर्ट बोर्ड ओनली पे क्लिक करूंगी तो आर्ट बोर्ड डिलीट हो गया जबकि ये कॉन्टेंट डिलीट नहीं हुआ मैं इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस आर्ट बोर्ड को यहाँ से पकड़ कर मूव कर लेती हूँ थोड़ा सा और इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को मैं मजीद थोड़ा सा कम कर देती हूँ और यहाँ कॉर्नर से पकड़ कर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी और इसको भी मैं यहाँ पे ले आती हूँ उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट ऑप्शन है लेयर को अलाइन करने के ऑप्शन को हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं ये यह ऑप्शन यहाँ पे सेम वर्किंग कर रहा होता है आपने जिन आर्ट बोर्ड को अलाइन करना है लेयर में उनका एक साथ होना जरूरी है और उन सबको आप सिलेक्ट करेंगे आप देखें यहाँ मेरा ई एफ एस है यहाँ आर्ट बोर्ड फोर थ्री और टू और आर्ट बोर्ड फाइव यहाँ पे नीचे है तो मैं इसको यहाँ से उठा कर यहाँ ले आती हूँ क्योंकि मैं इन तीन आर्ट बोर्ड को सेपरेट अलाइन कर लेती हूँ और इनको सेपरेट अलाइन कर लेती हूँ अब आप देखें आर्ट बोर्ड फोर थ्री और टू और ये मेरा आर्ट बोर्ड फोर है ये थ्री है और ये टू है तो मैं शिफ्ट के साथ इन सबको सेलेक्ट करूंगी और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करू तो अगर मैं इनको वर्टिकल सेंटर करूं तो आप देखें ये सेंटर अलाइन हो जाते हैं और अगर मैं इनको वर्टिकल बॉटम करूं तो ये बॉटम अलाइन हो जाते हैं और अगर मैं इनको टॉप एज करूं तो ये टॉप अलाइन हो जाते हैं उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट विथ पे क्लिक करूं तो ये इनकी विथ के हिसाब से इनकी स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आप देखें इसकी विथ कम है तो ये इसने इधर ज्यादा जगह छोड़ दी इसकी विथ ज्यादा है तो इसने कम जगह छोड़ दी उसके बाद अगर मैं इन आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो अब ये मेरा आर्ट बोर्ड वन है फाइव है और एफ एस है आर्ट बोर्ड फाइव को मैं यहाँ नीचे ले आई थी क्योंकि जिन आर्टबोर्ड को आप अलाइन करना चाहते हैं उनको आपको एक साथ सेलेक्ट करना होगा और जब आप शिफ्ट के साथ एक आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद दूसरे आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो दरमियान में जितने आर्ट बोर्ड होते हैं वो तमाम सेलेक्ट हो जाते हैं इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिन आर्टबोर्ड को अलाइन करेंगे लेयर में उनको एक साथ मौजूद होना चाहिए तो मैं यहाँ से आर्टबोर्ड वन सेलेक्ट करूंगी और शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आर्टबोर्ड फाइव दरमियान में लेफ्ट एच करू आप देखें ये लेफ्ट एच में अलाइन हो जाते हैं बाकी मजिद आप अलाइन करके देख सकते हैं और अलाइन ऑप्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग ऑप्शन है अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन शो हो रहे है ऑटोनेस लेर डिंगयर री ऑर्डरिंग कैनवस ऑन सेव तो अब देखें जब मैं यहाँ पर अपने मौसम लेके आऊंगी आटो नेस्ट पे तो आपको में एक बॉक्स शो हो रहा होगा लो लेयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ आर्ट बोर्ड एंड फ्रेम डिपेंडिंग ऑन देयर पोजिशन ऑन कैनवस जब आप इस ऑप्शन पे चेक लगा के रखते है तो आप अपने ऑब्जेक्ट की कैनवस में मौजूद पोजीशन के मुताबिक इसको आर्ट बोर्ड और फ्रेम के अंदर भी ले जा सकते हैं और बाहर भी मूव कर सकते हैं उसके बाद आटो साइज कैनवस पे अगर मैं लेके आऊं तो यहाँ भी आपको येलो बॉक्स शो हो रहा है अलोदा कैनवस टू ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड टू कंटेन ऑल आर्टवर्क ये ऑप्शन कैनवस की आर्ट बोर्ड के मुताबिक छोटा या बड़ा होने में हेल्प कर रहा होता है उसके बाद अगर मैं नीचे लेके आती हूँ हैव लेयर मेंटेन रिलेटिव पोजिशन वेन मूव फ्रॉम आर्ट बोर्ड टू आर्ट यूजिंग द लेयर पैलेट जब आप अपने आर्टवर्क को एक आर्ट बोर्ड ऐसी दूसरे आर्टबोर्ड में मूव करते हैं तो ये उसकी पोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ श्रिंक द कैनवस फ्रॉम सेव डॉक्यूमेंट टू द मिनिम साइज नीडेड टू कंटेन आल आर्टवर्क जब हम इस ऑप्शन पे चेक लगाते हैं और डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट साइज को आर्टवर्क के मुताबिक मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है इसलिए इन चारों ऑप्शन पे चेक लगा रहने दें डिफॉल्ट ये चारों ऑप्शन चेक होते हैं आप इसमें से चेक ना हटाएं आई होप आपको इस बात की अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने आर्टबोर्ड को कैसे हैंडल करना है और अगर फ्यूचर में आपको आर्टबोर्ड यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे